हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। गाइस मैं लेसनर ताज एक बार फिर से हाजिर हूँ अपना एक और नया बकचोदी वाला इंटरव्यू लेकर। हाँ तो गाइस, आज हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है कश्मीर शिमला और नॉर्थ ईस्ट जैसे ठंडी जगहों का किंग, यानी कि किंग खान। हाँ तो गाइस आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ तो शाहरुख भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप। हाँ वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, मैं अच्छा हूँ। हाँ तो शाहरुख भाई, हमने सुना है कि आपको कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और शिमला जैसी ठंडी जगहों का किंग माना जाता है, तो क्या ये सच है शाहरुख भाई। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है लेसनर, बिल्कुल सही सुना आपने। हाँ तो शाहरुख भाई, ऐसा क्यों, मतलब आप ऐसा क्यों, आप इतना मतलब इन ठंडी जगहों का किंग आपको कहा जाता है। क्योंकि मैं जहाँ भी रहूँ, जिधर भी रहूँ, मैं मुझे ठंड लगती है, ठंड लगती है मुझे। ओहो हाँ शाहरुख भाई, वो तो हम देख ही सकते हैं। हाँ तो शाहरुख भाई, हम ये जानना चाहते हैं कि आपका असम के बारे में आपका क्या ख्याल है। असम, असम के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता मैं असम के बारे में। क्यों 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 शाहरुख भाई, असम में भी तो बहुत कुछ मिलता है। हाँ क्या क्या मिलता है असम में, क्या क्या। हाँ शाहरुख भाई, असम में तो आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। सब कुछ, सब कुछ मिलेगा मुझे मेरी असम में। क्या 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 असम में मुझे मेरी किरण मिलेगी। ओह माफ कीजिए शाहरुख भाई, हम आपकी पुरानी यादों को खुरेदना नहीं चाहते थे। अच्छा, पहले तो इतना आसानी से खुरेद भी लिया, ऊपर से तुम मुझे दवा भी दे रहे हो। ओ शाहरुख भाई, अच्छा। शाहरुख भाई, अभी आपको आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो ही गई है, तो क्या आप हमें किरण के बारे में कुछ बताना चाहेंगी। किरण, हाँ शाहरुख भाई, आपको किरण के बारे में कुछ कहना है। किरण, हाँ शाहरुख भाई, किरण आखिर क्या लगती थी आपकी किरण। अरे अरे, तुम क्या जानो किरण मेरी क्या लगती थी, तुम क्या जानो। अगर मैं 4G मोबाइल हूँ तो किरण मेरी सिम कार्ड है। अगर अगर मैं MP3 हूँ तो किरण मेरी मेमोरी कार्ड है। अगर अगर मैं बैटरी हूँ तो किरण मेरी डिस्प्ले है। अगर मैं एयरटेल हूँ तो किरण जियो अनलिमिटेड है। लेकिन 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 उस लेकिन उस सनी ने अपना क्लीन मास्टर चला दिया, उसने क्लीन मास्टर से सब कुछ साफ कर दिया, उस सनी ने सब कुछ साफ कर दिया। ओहो शाहरुख भाई, अभी देखिए देखिए, ये पुरानी बातों को भूलिए, अभी आप ही ने तो कहा है कि बड़ी बड़ी शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी बड़ी बड़ी आईफोन्स में ऐसी छोटी छोटी वायरस आती रहती है। हाँ शाहरुख भाई, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं शाहरुख भाई। नहीं नहीं नहीं, कोई कोई मेरी तकलीफ नहीं समझ सकता, कोई नहीं। आखिर क्या है उस सनी के पास, क्या है उस सनी के पास जो किरण ने मुझे छोड़ के उसके पास चली गई, क्या है उस सनी के पास। देखिए देखिए शाहरुख भाई, आपको शायद पता नहीं है कि उस सनी के पास 2.5 किलो का हाथ है। हाँ हाँ शाहरुख भाई, मुझे अभी भी याद है वो बारिश की रात जब सनी पाजी ने मिस्टर चड्डा को अपना 2.5 किलो का हाथ दिखाया था। ये देखिए, थोड़ा मेरे पास है इसका क्लिप। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। शाहरुख भाई, आप डरिए मत। नो, मैं किसी से नहीं डरता, किसी के भाव से नहीं डरता, मैं नहीं डरता मैं। लेकिन तुम वहां क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे तुम वहां। मैं, ओ शाहरुख भाई, मैं, छोड़िए ना, छोड़िए छोड़िए। ओहो बताओ, तुम वहाँ क्या कर रहे थे। एक्चुअली शाहरुख भाई मैं वहाँ किरण के साथ पराठा खा रहा था। ओह, ये क्या कह दिया तुमने। ओह सॉरी सॉरी शाहरुख भाई, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता था। नहीं नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ मैं किसी से नाराज। लेकिन लेकिन शाहरुख भाई, आपके पास भी तो सिमरन है ना, अभी सिमरन तो है आपके पास। सिमरन, हाँ हाँ मेरे पास है, सिमरन है मेरे पास। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि कभी कभी आईफोन के लिए नोकिया चलाना पड़ता है, और नोकिया चलाने वाले को चूतिया कहते हैं।
तू क्या कहता है?